अच्छा, आपने कैंसर पे भी काम किया है और इन दिनों कैंसर के मामले भी बहुत देखने में आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जो लीवर के कैंसर हैं, लीवर के कैंसर 90% ऑफ लीवर कैंसर्स कम इन अ बैड लीवर। इसका मतलब ये है कि 90% लीवर के कैंसर, जिसको हम हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलते हैं, ये हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एक खराब लीवर में, सिरोटिक लीवर में, जिसको एंड स्टेज लीवर डिजीज हो, उनमें आते हैं। सिर्फ 10% ऐसे ट्यूमर हैं जो नॉर्मल लीवर में आते हैं। तो इसीलिए जब भी हम किसी पेशेंट को देखते हैं जिसको सिरोसिस है, जिसका लीवर डैमेज्ड है, तो हम एवरी 3 महीने 6 महीने कुछ ब्लड टेस्ट और कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, ये देखने के लिए कि लीवर कैंसर तो नहीं उपज रहा है इनमें, ताकि वो अर्ली स्टेजेस में हम पकड़ के हम उसको ट्रीट कर पाए। इसके ट्रीटमेंट 2 तरीके के होते हैं। एक ट्रीटमेंट होता है कि जिस हिस्से में लीवर कैंसर है उस हिस्से को हम निकालें लीवर के साथ, उसको बोलते हैं रिसेक्शन। और दूसरा है लीवर ट्रांसप्लांटेशन, जो एक्चुअली बेस्ट ट्रीटमेंट है। इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, कैंसर इसीलिए पैदा हो रहा है क्योंकि लीवर खराब है। तो आप कैंसर के साथ साथ पूरे लीवर को बाहर निकाल रहे हो इन लीवर ट्रांसप्लांट, और एक नए लीवर को अंदर डाल रहे हो डोनर से। इसीलिए उसका इलाज सबसे बढ़िया लीवर ट्रांसप्लांटेशन से है। लेकिन एक बार अगर लीवर के बाहर वो ट्यूमर स्प्रेड हो गया तो फिर लीवर ट्रांसप्लांट का फायदा नहीं होता। अगर थोड़ा सा एडवांस्ड और ट्यूमर है जिसमें ट्रांसप्लांट नहीं होता, तो उसमें और भी तरीके हैं, जैसे कि रेडियोथेरेपी है, ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, जिसमें कीमोथेरेपी दिए जाते हैं लीवर के अंदर, ये भी तरीके हैं ठीक करने के लिए। तो एक बार किसी को अगर लीवर कैंसर हो जाए, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं जी अभी तो मेरा कुछ नहीं होगा। इसके लिए क्यूर है, पॉसिबल है। इसमें फॉर्चुनेटली मैंने काम किया है, मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी इसके लिए। तो लास्ट 7 साल से लीवर कैंसर मेरा एक मेजर एरिया है रिसर्च का। इसके साथ साथ प्राइमरी लीवर कैंसर के साथ साथ बाहर के कैंसर, जैसे कि आंतों में, बड़े आंतों में अगर कैंसर हुआ तो वो लीवर में फैलता है, उसको लीवर मेटास्टेसिस बोलते हैं। इसके लिए भी ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि ब्रेन में स्प्रेड हो गया तो शायद हम बोलते हैं कि ये तो ट्रीटेबल नहीं है, बोन में स्प्रेड हो गया ये ट्रीटेबल नहीं है। लेकिन अगर बड़ी आंत का कैंसर लीवर में स्प्रेड हो गया तो कीमोथेरेपी से और सर्जरी से इसको पूरी तरीके से नष्ट किया जा सकता है। तो ये भी लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है कि कैंसर, लीवर कैंसर के लिए ट्रीटमेंट है जिससे वो क्योर हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, साथ में इलाज भी महंगा हुआ है, ऐसे में आम आदमी को कैसे सस्ता इलाज मिले? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि प्राइमरीली अभी जो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं इंडिया में, वो सारे दे आर हैपनिंग इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और ये रहेगा फॉर क्वाइट सम टाइम, ये रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला इंफ्रास्ट्रक्चर, डेडिकेशन। देखिए, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का प्राइमरी एम है कि एटलीस्ट हम प्राइमरी हेल्थ केयर तो पहुंचाएं हर किसी को। सो नेक्स्ट स्टेप आता है सुपर स्पेशलिटी का। तो जैसे लीवर ट्रांसप्लांट है, हमारी कोशिश है कि बहुत, देखिए आई थिंक लीवर ट्रांसप्लांट इंडिया में शुरू हुआ था 25 साल या 26 साल पहले। जब पहला ट्रांसप्लांट हुआ था तब भी वो 18 या 18.5 लाख में हुआ था। आज जो ट्रांसप्लांट होता है वो भी 21 लाख में होता है। तो आप देख रहे हो कि द कॉस्ट हैज नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनली। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना है उसी में करें, जितने कम अमाउंट में कर पाए उसी अमाउंट में कर पाए। इसमें कोई खर्चा डॉक्टरों का या फिर सर्जन का बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता। ये इतना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है कि सिर्फ ट्रांसप्लांट करने में ही, टेक्निकली उसको करने में ही इतना खर्चा आता है। तो इसीलिए इसका खर्चा और कम करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, देखिए इसके लिए गवर्नमेंट के लिए फंडिंग भी बहुत चाहिए होगी। एक सर्जरी के लिए अगर गवर्नमेंट सोचे कि हमें 20 लाख रुपए स्पेंड करने हैं तो बहुत सोचेगा, रादर देन लुकिंग एट सुपर स्पेशलिटी दे फर्स्ट हैव टू थिंक ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो इसीलिए अगर ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर्स बने इंडिया में, और अगर दैट मच अमाउंट ऑफ मनी अगर वो डेडिकेट कर पाए ऐसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो फिर हाँ लोगों के लिए ये इलाज थोड़ा सा कम या चीपर हो सकता है। अच्छा, फ्रांस में भी रहे हैं तो वहाँ के अनुभव कैसे रहे आपके? देखिए जी, फ्रांस एक ऐसी जगह है जहाँ से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बेस्ट लीवर ट्रांसप्लांट या लीवर सर्जरी के जो सर्जन्स हैं वो फ्रांस से, दे हैव हैड देयर एजुकेशन, बिकॉज वहाँ स्किल लेवल और एक्सपर्टीज इन लीवर सर्जरी इज वेरी वेरी हाई। तो मेरी
सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग प्रोफेसर हेनरी बिस्मुथ के अंडर हुई, हु इज वन ऑफ द पायनियर्स, द फर्स्ट पर्सन टू हैव डन, वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू हैव डन लिवर ट्रांसप्लांट इन द वर्ल्ड. सो वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला इन टर्म्स ऑफ सर्जिकल स्किल इन लिवर सर्जरी. देखिए लिवर एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, तो इसमें एवरीथिंग हैज टू डू विद सर्जिकल स्किल, कि आप कैसे वेसल्स को टैकल करते हो, कैसे ब्लड वेसल्स को, कैसे बाइल डक्ट्स को टैकल करते हो, कैसे इस एरिया को ट्रीटमेंट कैसे करना है, सर्जिकली कैसे एक्सेस करना है वो करते हो. सो सर्जिकली आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम फ्रांस, जिससे मैं अब यूज कर रहा हूँ यहाँ इंडिया में. इन एडिशन टू दैट, सही पेशेंट को कैसे सिलेक्ट करना फॉर ट्रांसप्लांट, ताकि आपको रिजल्ट हमेशा अच्छा मिले, और कैसे ऑन दी से एट द सेम टाइम कौन से वो पेशेंट होते हैं जिनको आपको सर्जरी करनी नहीं चाहिए, ये एक सीख बहुत इंपॉर्टेंट है लिवर सर्जरी में, जो मुझे लगता है कि मैंने सीखी है और इम्बाइब की है फ्रांस में से. मुझे दुनिया से बात करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद जी.